गुड मॉर्निंग। आज शुरू कराएंगे अंतरा काशी छिद्र या रिक्तियाँ। जैसे कि पूर्व के टॉपिक में आपको तीन प्रकार की संरचनाएं बताई गई, BCC, FCC और SCP। इन तीनों ही संरचनाओं में आपने देखा कि प्रत्येक जो परमाणु वह एक दूसरे के परस्पर निकटतम होते हैं। इसके बावजूद भी क्या होता है कि उनके परमाणु के मध्य कुछ खाली जगह बच जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? अंतराकाशीय छिद्र। और ये तीन प्रकार के छिद्र होते हैं, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। आपके पाठ्यक्रम में दो ही प्रकार की रिक्तियां हैं, एक है चतुष्फलकीय, एक है अष्टफलकीय। पहली है चतुष्फलकीय। रिक्तियां और दूसरी है अष्टफलकीय। अब इनका निर्माण कैसे होता है कि जैसे हम इनकी एक परत रख रहे हैं, एक परत में सभी परमाणु एक दूसरे के निकटतम होते हैं। जब दूसरी परत रखते हैं तो पहली परत के तीन गोलों से बना हुआ जो एक छिद्र होता है उस पर एक दूसरी परत का गोला आ जाता है, तब क्या है, एक चार गोलों से बनी एक रिक्ति बन जाती है, उसका नाम दिया गया है चतुष्फलकीय रिक्ति का। देखिए कैसे, इसमें ये तीन गोले प्रथम पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति का गोला यहाँ जाएगा, यानी ये जो छिद्र है यहाँ चार गोले का संपर्क हो रहा है, इसका नाम दिया गया चतुष्फलकीय रिक्ति। और इसको किस प्रकार बनती है ये इसका आकृति को, ये बीच का गोला है, ये है चतुष्फलकीय रिक्ति की। तो इसमें इस प्रकार की परिभाषा है कि इस प्रकार की रिक्ति तब बनती है जब प्रथम पंक्ति के गोले एक परत में रखे होते हैं, अब उस पर दूसरी परत को जमाया जाता है, तो प्रथम परत के तीन गोलों के बीच का छिद्र होता है उसके ऊपर जो गोला आ जाता है, तो एक चार गोलों या छिद्रों से एक रिक्ति बन जाती है, नाम दिया गया चतुष्फलकीय रिक्ति का। और ये इसकी संरचना है। दूसरा, इसकी चतुष्फलकीय जो रिक्तियां हैं इसकी प्रतिनिधित्व की परिभाषा, दूसरा इसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो जाएंगे इसके, चार, क्योंकि चार गोले हैं तो वो ये चार क्या होगी कोऑर्डिनेट नंबर। तीसरा, यदि ये क्रिस्टल में n परमाणु है तो चतुष्फलकीय रिक्ति संख्या क्या होगी, तीसरा इनकी है संख्या इसकी होती है 2n। अगर क्रिस्टल में n परमाणु है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों संख्या क्या हो जाएगी, 2n। ये क्या होता है,
कि चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या क्या है, समोल आर है, और धातु परमाणु की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो इनमें संबंध क्या होता है, समोल आर बराबर कैपिटल आर। ये इसकी चार बातें हैं, जो इसलिए चार पॉइंट लिखे हैं कि अंतर आ जाता है कि चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तिका में अंतर बताइए। तो अंतर के अंदर आपको चार बिंदु, जो पांचवा क्या हो जाएगा इसका चित्र पूछ, नामक चित्र इसका क्या है, चित्र है। तो पांच बातें इसमें याद रखनी है, ये पांच बातें आ जाएगी सामने अष्टफलकीय रिक्तिका में। उसका निर्माण कैसे होता है कि जैसे प्रथम पंक्ति के तीन गोले हैं बीच में छिद्र है, ऐसी दूसरी पंक्ति के तीन गोले रखते हैं, तो इनके छह परमाणुओं के मध्य जो रिक्तिका है उसका नाम दिया गया है अष्टफलकीय रिक्तिका। तो कैसे, देखिए पहली पंक्ति ये है, पहली पंक्ति के गोले और द्वितीय पंक्ति के गोले, अब इसके ऊपर दूसरी पंक्ति गोले भी रखेंगे, ये होगी तीन ही नीचे की परत के गोले और तीन ही ऊपर की परत के गोले जब मिलकर एक रिक्तिका या छिद्र अंतराकाश बनाते हैं, वही क्या होता है अष्टफलकीय रिक्तिका। और इसकी आकृति ऐसे बना देंगे अपन, ये अष्टफलकीय रिक्तिका बन जाती है। इसमें तो पहले होगी परिभाषा, नंबर एक परिभाषा आ जाएगी इसकी, दूसरी है कोऑर्डिनेट नंबर कितने कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे छः, और क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, जैसे n क्रिस्टल में परमाणु है तो अष्टफलकीय हो जाएगी n, चतुष्फलकीय क्या होती है 2n, और अष्टफलकीय क्या होती है n। त्रिज्या रिक्तिका की त्रिज्या समोल r और धातु परमाणु त्रिज्या कैपिटल R होने पर संबंध क्या हो जाएगा, R बराबर 0.414 R। और पांचवी इसका चित्र, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन बनते हैं, चतुष्फलकीय का अलग बनता है, अष्टफलकीय का अलग बनता है, और अंतर इनमें अलग बनता है, और दोनों के नामा के चित्र भी अलग बनते हैं, यानी एक एक नंबर के पांच या छह क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे, एक तो रिक्ति की त्रिज्या और धातु परमाणु त्रिज्या में संबंध क्या होता है, एक एक एन परमाणु वाले क्रिस्टल में संख्या इनकी क्या होती है, एक इनके दोनों के नामों के चित्र, और एक दोनों में अंतर। तो इसमें चार अंतर है सामने आपके, याद रखेंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका की समन्वय संख्या चार, अष्टफलकीय की छः, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कुल 2n होती है, अष्टफलकीय रिक्तियाँ n होती है, चतुष्फलकीय की त्रिज्या और धातु परमाणु त्रिज्या में समोल R बराबर 0.225 R, और अष्टफलकीय में समोल R बराबर 0.414 कैपिटल R। तो ये इनके अंतर भी है। अगर पूछ ले एक n परमाणु का क्रिस्टल है उसमें कुल कितनी
रिक्तियां होगी, उत्तर आ जाएगा 3n, यानी कि 2n प्लस n बराबर 3n। एक सामान्य क्रिस्टल जिसमें n परमाणु है तो उसमें कुल जो रिक्तियां होगी वो क्या होगी, 3n। 2n कौन सी होगी, चतुष्फलकीय, और 1n, 1n क्या होगी, अष्टफलकीय है। तो एक सा इन दोनों रिक्तियों के बारे में। अब आता है ये जो आपने तीन एक कोष्ठिका की सात आद्य एक कोष्ठिका यानी सरल घनीय जालक, काय केंद्रित घनीय जालक और फलक केंद्रित घनीय जालक, इन तीनों में ये बताना है कि इनकी संकुचन दक्षता का मान कितना होता है। इसके लिए तीनों अलग अलग क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम लेते हैं सरल घनीय, सेकंड टॉपिक आता है आज का संकुचन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी। यदि इसकी परिभाषा आपको धातु क्रिस्टल में बताई गई है कि किसी इकाई आयतन में या दिए गए क्षेत्र में एक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन और कुल परमाणुओं के आयतन का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, संकुचन दक्षता कहते हैं। परिभाषा इसकी, इसका सूत्र है एक कोष्ठिका के परमाणु का आयतन, परमाणुओं का आयतन का कुल आयतन, और यहाँ गुणा आयतन यहाँ आ जाएगा आयतन इंटू 100। संकुचन दक्षता ज्ञात करने का फार्मूला ये है कि एक कोष्ठिका के परमाणुओं या गोलों का आयतन बटे एक कोष्ठिका कुल आयतन का गुणा 100, ये क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो आपको तीन कोष्ठिकाओं में से एक का सूत्र या संरचना पूछ सकते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि FCC SCP में 74% होती है एक कोष्ठिका, ये संकुचन दक्षता, BCC में 68 और SCC में होती है 52.4। इसको सिद्ध करना है कि किस प्रकार ये संकुचन दक्षता होती है। पहले हम लेते हैं सरल घनीय जालक की संकुचन दक्षता। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार के एक कोष्ठिका में 8 परमाणु या कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले माना कि एक एक कोष्ठिका की किनारों की लंबाई, पहले हम क्या लेंगे इसकी, माना एक कोष्ठिका के एक किनारे की लंबाई बराबर a है, माना एक ए को याद कर लेंगे, तीनों ही आपको याद हो जाएगी। एक कोष्ठिका का हम सूत्र निकाल लेंगे तो आप दो के अपने आप ही ज्ञात कर लेंगे। कैसे, बस यहाँ अंतर क्या आएगा, केवल परमाणु संख्या में अंतर आना और कहीं अंतर नहीं आना है। तो पहला मानना कि एक कोष्ठिका चाहे वो BCC है, चाहे वो FCC है, चाहे वो सिंपल है, उस ये बात तो कॉमन है कि एक कोष्ठिका के एक लंबाई क्या होती है, ए, और ए गोले की त्रिज्या। दूसरा है कोष्ठिका में एक कोई भी गोले, एक गोले की त्रिज्या ये होती है स्मॉल आर। तो ये कॉमन है,
तीनों ही कोष्ठिकाओं में ये चीज़ कॉमन आएगी। और तीसरा ये अंतर है कि सरल गंधिया जालक के परमाणुओं की संख्या, क्योंकि इस कोष्ठिका में 8 परमाणु होते हैं और 8 कोनों पर होते हैं, इसमें कुल परमाणु कितने हो जाएंगे, 8×1/8=1, यानी कि प्रति कोष्ठिका में गोलों की संख्या, तीसरा प्रति कोष्ठिका में गोलों की संख्या आठ गुणा 1/8=1, यानी इस कोष्ठिका में कुल परमाणु क्या होता है, 1 ही होता है। अगर यहाँ लेते हमें काय केंद्रित, यहाँ क्या आ जाता, 1×2 आ जाते, यहाँ अगर लेते FCC यहाँ क्या आ जाते, 4। यही अंतर और अंतर बिल्कुल भी नहीं है। गोले का आयतन ठीक कॉमन है, एक गोले का आयतन ये होता है πr³, ये भी कॉमन है πr³, ये क्या है, गोले का आयतन है। अब है नंबर 5 सूत्र, संकुलन दक्षता। एक कोष्ठिका के परमाणुओं का आयतन बटे गंधिये के कोष्ठिका का आयतन, यानी हो जाएगा एक कोष्ठिका के एक गोले का आयतन ×100/ घनिये क्रिस्टल का कुल आयतन। तो यहाँ अगर होगी BCC तो यहाँ आ जाएंगे 2, अगर होगी FCC यहाँ जाएंगे 4, बाकी यहाँ अंतर आ जाएगा, गन्ने क्रिस्टल का आयतन में अंतर, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब इसमें इसका मान रख दीजिए, यहाँ इसमें कितने गोले आयतन, कितना है इसमें, एक गोले का आयतन πr³, अच्छा इसका पहले एक क्यूब निकाल लेंगे और पहले यहाँ छद नंबर कर लेंगे, इसकी ए क्यूब क्या हो जाएगा, πr³ का ये हो जाएगा, यानी इसमें ये था एक किनारे की लंबाई थी, तो इसका मतलब कुल दूसरों क्या, जो कुल गोले का जो इसका संपूर्ण कोष्ठ आयतन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब एंड 2r³ होता है, ये हो जाएगा इसका 8r³, यहाँ जाएगा 8r³ आ जाएगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, आयतन, तो आयतन होता है 2r होता है, इसका में जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8r³ आ जाएगा। अब इसका हम इसका मान रख दीजिए कितना आ जाएगा, एक गोले का आयतन कितना है इसके अंदर, से मान रख दीजिए अपने पास आ जाएगा इसका 4/3 πr³ × 8r³ × 100, ये 8 4 कट जाएंगे, 4 में यानी आ जाएंगे अपने पास आ जाएगा 3×14 होता है पाई का मान, × 100/6, ये आ जाएगा 52.4%। ये इसकी साधारण कोष्ठिका के लिए दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है। फिर द्वारा समझ लीजिए, सरल गंधिया जालक की दक्षता ज्ञात करनी है, पहले इसका सूत्र लिख देंगे, ये तीनों में, क्योंकि आपने तीन कोष्ठ, दूसरी कौन सी पहली क्या, SCC है,
दूसरी BCC है, तीसरी FCC है या PCC बोलते हैं। या तो पहली बात धारक ये तीन प्रकार की कोष्ठिकाएं, इनमें तीन में आपको एक का सूत्र पूछ सकता है, ये सिद्ध करना सकता है। दो नंबर का एक याद कर लीजिए, तीनों याद हो जाएगी। कैसे? पहले सूत्र लिख देगा, संकुलन दक्षता से कोई आ जाए आधा नंबर यही मिल जाएगा, चाहे उत्तराय न्याय। सूत्र का क्या है? एक कोष्ठिका के परमाणु का आयतन बटे एक कोष्ठिका के कुल परमाणुओं का आयतन गुणा 100। अब क्या है आपको दिया है सरल कोष्ठिका के लिए, उसके लिए क्या पहले मानना एक कोष्ठ एक किनारे की लंबाई a होगी। अब ये तीनों कोष्ठिकाओं में कॉमन होगी। दूसरा a गोलित त्रिज्या क्या होती है? r होती है। तीसरा a कोष्ठक कुल कितने परमाणु है? एक कोष्ठिका में 8 × 1/8 बराबर 1। अगर एक काय केंद्रित या क्या जो एक केंद्र में होता है उसकी यहाँ 2 आ जाएगी। अगर आ जाए FCC किसी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी बस। उसके बाद में ये गोल का इतना कॉमन है π r³ होता है। अब क्या है इसमें a क्यूब कर लो, क्या ये क्या आ जाएगा 2r का क्यूब होता है और इसका मान रख लीजिए ये क्या मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा। अंतर कहाँ आएगा कि संपूर्ण गोले का आयतन क्या आएगा, संपूर्ण गोले का जो आयतन ये है उसके अंतर क्यों, वहाँ क्या है BCC FCC में यहाँ मान अलग आएगा, इसलिए और कहीं अंतर नहीं है। अब इस मान को सूत्र में रख दीजिए तो आपको गुणा भाग करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये है एक कोष्ठिका में संपूर्ण दक्षता ज्ञात करने का। और इसका एक टॉपिक और है एक कोष्ठिका में घनत्व, उसके बाद है घनत्व। तो यहाँ इस प्रकार दोनों आप स्वतः कर लेंगे, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा तरह होता है सिद्ध है उसका मान याद, ये मान तक सिद्ध परसेंटेज लिख दीजिए। जैसे BCC आएगा तो यहाँ क्या जो मान नहीं काटना नहीं है आप लिख देंगे 80%। FCC आ जाए ध्यान रख देंगे 74%। गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। अब आपका तीसरा टॉपिक है एक कोष्ठिका का घनत्व। सिद्ध करना है डी बराबर सूत्र आएगा डी बराबर ZM बटे ए की क्यूब गुणा एन। इस सूत्र की स्थापना करने मतलब ये घनत्व है कोष्ठिका का। अब ये कैसे इस बात को सिद्ध करना है, एक कोष्ठिका के घनत्व का ज्ञात करना हो क्या एक्स विवर्तन से प्राप्त जो एक कोष्ठिका है, एक कोष्ठिका संरचना है उसकी कोर की लंबाई a है, घनत्व d और मोलर द्रव्यमान m है। एक कोष्ठिका माना है कोष्ठिका को ही मानना कि एक किनारे की लंबाई लंबाई a, घनत्व d, मोलर द्रव्यमान कैपिटल m हो तो ये एक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो एक कोष्ठिका हो तो एक कोष्ठिका का आयतन a into a बराबर ये क्या क्यूब। दूसरा एक कोष्ठिका का द्रव्यमान वो होता है कुल परमाणु गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान, एक कोष्ठिका का द्रव्यमान एक कोष्ठिका का द्रव्यमान अब जेड गुणा एम। यहाँ जेड क्या है, जेड है उस कोष्ठिका में कितने परमाणु है
और एम क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान है। मतलब सरल कोष्ठिका में एक परमाणु होता है, बीसीसी में दो होते हैं और एफसीसी में चार। यानी यहाँ जो जेड है, जेड यानी बीसीसी के लिए जेड होता है दो, एफसीसी के लिए जेड होता है चार और एससीसी जेड होता है एक। ये उसके बाद में तीसरा हम करेंगे इसमें, ये तो इसका द्रव्यमान आ जाता है। इसके बाद है एक इसका गंतव्य, एक कोष्ठिका के एक परमाणु का m यानी कि मोलर द्रव्यमान m, m बराबर क्या होता है, कैपिटल M बटे z। यानी जो m होता है वो क्या, n से n एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर। एक कोष्ठिका का जो मोलर द्रव्यमान है वो उसके मोलर द्रव्यमान और एवोगैड्रो संख्या का अनुपात होता है। एक परमाणु का भार जो होता है वो मोलर द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल M क्या है, मोलर द्रव्यमान है, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और एन ए बराबर क्या होता है, 6.10 की पावर 23। उसके बाद नंबर चार लिखेंगे घनत्व, घनत्व क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटे बटे आयतन। ये घनत्व का सूत्र होता है। अब बस क्या आ जाएगा, जेड एम क्या आ जाएगा, जेड एम बटे ए क्यूब। और स्मॉल एम बराबर क्या होता है, कैपिटल एम बटे एन ए। इसलिए डी बराबर जेड गुणा कैपिटल एम बटे ए की क्यूब गुणा एन ए, यही इसका सूत्र है। तो इसमें बुक में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें ध्यान क्या देना है, ए तो जेड का मान नहीं दिया होगा, ये आपको लिखना। अगर कोष्ठिका सरल है तो जेड का मान क्या आएगा, एक आएगा। कोष्ठिका बी सी सी है, जेड का मान दो आएगा। कोष्ठिका एफ सी सी, जेड का मान चार आएगा। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, वो निश्चित होता है। और इसकी ए दो लंबाई क्या दी होती है, पीएम में यानी पिकोमीटर में दी होती है, उसको अपने मीटर में चेंज करना है। तो इसमें क्या होता है, एक पी सी बराबर पीएम, पीएम रहा पिकोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12। यानी आप क्या करेंगे, आपको जो भुजा दी होगी वो पीएम में दी होगी, उसको हमें इसमें मीटर में चेंज कर दें, एम क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। बाकी एक सी यू दिया हुआ है, इसका भार मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 63.5 हो गया परमाणु भार। एज है 108 होगा और जिंक का क्या होगा, 65। यानी तीन धातुओं के न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें याद रखना है कॉपर का द्रव्यमान संख्या परमाणु भार 63.5 होता है, एज का 108 होता है और जिंक का 65 होता है। ये याद पेपर में दिए होंगे या आपको याद रखने हैं। एन ए का मान आपको याद रखना है और ए का मान दिया होगा पीएम में, उसको मीटर में चेंज करना है। और जेड का मान दिया नहीं होगा, जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जेड करेंगे अगर सरल घनीय दालक है तो एक होगा, फलक के लिए चार होगा और काय केंद्र के लिए दो होगा। इस प्रकार घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। आज का एपिसोड यहाँ तक ही, थैंक यू।